कुछ दिनों पहले तक सबको यही लग रहा था कि जैस्मिन बसीर इतने दिनों तक जम्मू में थी और अली गोनी के साथ मस्ती कर रही थी, जबकि ऐसा नहीं था क्योंकि जैस्मिन बसीर और अली गोनी दोनों ही कोविड पॉजिटिव थे, जिस वजह से जैस्मिन और अली दोनों ही क्वारंटीन में थे। वहीं इस बात पर जैस्मिन और अली ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन अब जैस्मिन और अली दोनों ने ही खुद को कोरोना होने के बारे में खुलकर बताया है। दरअसल जैस्मिन और अली दोनों ने ही हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने अपने कोरोना वायरस के टाइम के बारे में सब कुछ बताया है। साथ ही साथ उन्होंने कोरोना से लड़ते वक्त क्या क्या किया ये भी बताया है। जैस्मिन बताती हैं कि हम कुछ दिनों के गैप में कोरोना पॉजिटिव हुए थे, यही कारण है कि मुझे जम्मू में अपने रहने के टाइम को बढ़ाना पड़ा। कोरोना के टाइम में हमने खुश रहने, स्वस्थ खाने की कोशिश की और नेगेटिविटी को अपने अंदर नहीं आने दिया। इस तरह से हमने इससे निपटा। एक हफ्ते के अंदर हम कोरोना नेगेटिव हो गए, लेकिन हाँ, वायरस आपको कमजोर बनाता है और इससे उबरना पूरी तरीके से एक दूसरी प्रक्रिया है। अली के परिवार के सदस्य भी इस वायरस से संक्रमित थे। हम सभी घर में आइसोलेशन में थे और वायरस से सही रवैये के साथ लड़े। जैस्मिन शेयर करते हुए आगे कहती हैं कि बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते हैं और यही मेन कारण है कि मैंने सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ शेयर नहीं की। हमने केवल एक ही व्यक्ति की बात सुनी जो हमारे डॉक्टर हैं और किसी की नहीं, क्योंकि वायरस लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। पहली बात जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताई वो थी, जैस्मिन बेमतलब का स्ट्रेस मत लो। मैंने उनकी बात सुनी, साथ में टाइम पर दवा ली और पूरे टाइम पॉजिटिव रहने की कोशिश की, लेकिन जैस्मिन के लिए टाइम बाकियों से काफ़ी ज़्यादा कठिन था, क्योंकि उनकी माँ भी उसी टाइम कोरोना पॉजिटिव हुई थी और दोनों एक दूसरे से मीलों दूर थे, क्योंकि जैस्मिन की माँ अपने घर कोटा में थी। जैस्मिन को उम्मीद थी कि वो अपनी माँ के लिए जल्दी कोरोना से ठीक हो जाएंगी। जैस्मिन बताती हैं, मैं बहुत असहाय महसूस कर रही थी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे। एक दिन मुझे गुस्सा आया क्योंकि मेरी माँ को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहा था और बेड के मिलने की उम्मीद में मैंने इसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैं इस समय अपनी माँ से दूर रहने के कारण स्वार्थी हूँ। मैं उन्हें ये नहीं कह सकती थी कि मुझे जज ना करें, क्योंकि मैं चाहकर भी उनके साथ नहीं रह सकती। वहीं अली को लगता है कि कोरोना ने जैस्मिन के साथ उनके बॉन्ड को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया है। अली ने बताया कि जैस्मिन के साथ मेरा रिश्ता मजबूत है, हम एक दूसरे की परवाह कर रहे हैं और यही किसी भी रिश्ते का मूल आधार है। मैं सेंसिटिव पर्सन हूँ और मैंने हमेशा रिश्तों को महत्व दिया है, लेकिन मैं इस बात को मानूंगा कि कोविड-19 ने मुझे रिश्तों को और भी अधिक महत्व देना सिखाया है। दिन के अंत में जो मायने रखता है वो है आपका परिवार और प्रियजन। वहीं अली और जैस्मिन की कोरोना के टाइम की बातों से ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि दोनों ने इस टाइम को काफ़ी मुश्किल से गुजारा है और उन्हें इस टाइम में क्या क्या फील हुआ ये बस वही जानते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।